नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फोर व्हीलर का बैक साइड का डोर रहता है वो डेंट हो गया है। एंड वो डेंट कैसे रिमूव कर देते हैं वो आप देखोगे पूरी तरह से। जो कंपनी का नया वाला रहता है ना, उस तरह से वो डेंट रिमूव हो जाएगा। दोस्तों, पहले स्टेज में तो हम अंदर वाला जो डोर का टोटली मटेरियल रहता है, जो विंडोज़ वगैरह, वो रिमूव कर देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे। और नेक्स्ट स्टेज में जो डेंट गिरा है किसी वजह से, उस डेंट को जो एनिवल रहता है उसकी मदद से हम रिमूव कर देते हैं। इससे जो डेंट है वो प्लेन हो जाता है। देखो दोस्तों, कि नज़दीक से देखो कि किस तरह से वो डेंट रिमूव हो रहा है। और उसके अगले वाले स्टेज में जो बॉडी फिलर रहता है, जिसको हम पुट्टी कहते हैं, वो एशियन पेंट, उसका उसको फिलअप करके जो बॉडी की लेवल मिसमैच होती है उसको मैच कर देते हैं। इससे जो डेंट वगैरह रहा होता है ना, वो प्लेन हो जाता है। देख सकते हो दोस्तों कि किस तरह से उसको भरा जाता है। उसको भरने के बाद इतना स्मूथ हो जाता है कि जो मेटल बॉडी और उसमें फ़र्क नहीं दिखता। वो इतना हार्ड हो जाता है कि वो मेटल जैसा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हम उसको प्लेन कर देते हैं, जैसे कि ये मशीन यूज़ करके आप देख सकते हो कि उसको लेवलिंग करना पड़ता है कि वो आगे पीछे ना दिखे, वो टोटली उस बॉडी को मैच कर दे। दोस्तों, उसको लेवलिंग करने के बाद जो पेपर रहता है उससे उसको स्मूथ कर देते हैं वाटर से। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हम प्राइमर मार देते हैं। देख सकते हो प्राइमर यहाँ पे मार देते हैं। आप देखो कि जो डेंट रहेगा था पहले, वो अब नहीं दिख रहा है। उसके बाद उस पर कलर मार देते हैं। कलर मारने के बाद उस पर ऊपर टॉप कट लगा देते हैं। देख सकते हो आप दोस्तों, यहाँ पे कोई भी डेंट नहीं है, आपको दिख नहीं रहा।